रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, आज कमराए जमात के असूल देखते हैं। कमराए जमात में अपनी आंखें खुली रखें, सुनते कान रखें, खामोश मुंह होना चाहिए, मदद करते हाथ और चलते पांव। तो हम देखते हैं इन बातों का क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों, आपको वक्त पे स्कूल आना चाहिए, उस्ताद की बात गौर से सुनना है, हाथ जब बोलना हो तो हाथ खड़ा करके अपनी बारी का इंतज़ार करना है, चीखना चिल्लाना और शोर मचाना नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी इससे आदत नहीं डालेंगे तो बड़े होके तो ये आते हैं गलत पक्की हो जाएंगी। कमरे से आते, स्कूल से आते जाते कितार बनाना है, सोच समझ कर बोलना है, तमीज़ से बात करनी है, स्कूल की चीज़ों की हिफाजत करनी है, उस्ताद का अदब करना है, एक्सक्यूज़ मी और थैंक यू कह के बात करनी है, सफाई का खास ख्याल रखना है, कमरा जमात की सफाई का, अपना डेस्क और किताबें साफ रखनी है और डस्टबिन का इस्तेमाल करना है। तो आज हम बात करेंगे दाल, दाल, जा और वाव की। तो ये दाल है, दाल के ऊपर जो है इसे आधा दायरे की तरह लिखा जाता है और दाल से बनता है दुआ, दुआ। और अलामा इकबाल की अच्छी सी ये नज़म आपको याद होगी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। फिर दांत, दाल से शुरू होते हैं दांत, दांत। और फिर दाल से शुरू होता है दरवाज़ा, दरवाज़ा। आपने आपके घर में भी दरवाज़े हैं, स्कूल में भी दरवाज़ा। फिर उसके बाद है अगला हरफ जो है वो है डाल, डाल जो है उसके ऊपर एक छोटी तोए बनी है, लिखा दाली की तरह से जाता है। और डाल से क्या होता है, डॉक्टर। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने, तो नीम हकीम के पास नहीं जाना चाहिए। तो डाल से होता है डिब्बा, डिब्बा, डिब्बा होता है डाल से। फिर है जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है, तो जाल से बनता है जात, जात। और जात, जाल से बनता है ज़खीरा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बोरियों में भर के गल्ला वगैरह रख लिया जाए तो उसे कहते हैं ज़खीरा। और वर्क, वाव से बनता है वर्क, जैसे आपकी किताब के वर्क हैं तो इनको, और आप तो ये है डाल, जाल, दाल। तो आप इनसे तस्वीर के साथ मिलाएं, यहाँ पे वीडियो रोकें और देखें कि कौन सी तस्वीर के साथ कौन सी लफ्ज़ जो है वो शुरू होता है। शाबाश। तो डाल से डॉक्टर, जाल से ज़खीरा और दाल से दांत। और ये है दादा, दादी, दीवार, दम, दर्द, दब। ये अल्फाज जो हैं ये भी दाल से शुरू होते हैं और दाल ना अलिफ से पहले लगता है और ना बाद में लगता है। फिर इसके बाद दा, दाब, बाद, दादा, दा, डाट, जा, जात, वर्क, रवाज, रोज़ और ज़ोर, ये अल्फाज हैं। और आप देखें कि ये है इस दाल को, डाल और जाल को इस तरह से लिखते हैं, दाल के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, डाल के ऊपर एक छोटी सी तोए है और जाल के ऊपर एक नुक्ता है। तो आप इसको आधे दायरे की शक्ल में ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। इसके अलावा दाल से दूध, दही, दर्द, बहुत सारे और नए अल्फाज भी हमने सीखे आज। तो ये हैं, क्या हैं, शाबाश। ये किससे शुरू होते हैं, दांत, दांत, दाल से। और ये क्या है, ये है दरवाज़ा, दरवाज़ा। और दांत जो हैं वो किससे शुरू होते हैं, वो दाल से शुरू होते हैं, दाल से। और ये कौन सा है, ये है डॉक्टर, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर से दवा लेते हैं। और ये क्या है, डिब्बा, शाबाश। इसके इसके नीचे जो लाइन लगी है इस पर लिखें डाल, डिब्बा। और ये है डाल, आधा दायरा बना के इसको नीचे से सीधी लाइन करके ऊपर छोटी तोड़ डालते हैं। और ये क्या है, शाबाश, ये है ज़खीरा, जाल, ज़खीरा। और ये जाल जो है वो इसको इस तरह से लिखा जाता है। आप कॉपी पेंसिल लेके इसको लिखने की प्रैक्टिस भी करें। और ये है, ये क्या है, किताब के वर्क, एक वर्क, एक सफ़े को वर्क भी कहते हैं। और ये है वाओ, वाओ जो है, क्योंकि वो भी छोटी सी दाल की तरह लिखी जाती है गोल ऊपर से करके। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।